जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भठठ का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान यहां पर पाया गया कि बेड उपलब्ध है और ऑक्सीजन उपलब्ध है तथा यहाँ पर वैक्सीनेशन में थोड़ी कमी पाई गई है, जिसको पूरा करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है तथा यहाँ पर प्रथम डोज 92% व दूसरा डोज 80% से ज्यादा हुआ है तथा जो लोग बचे हैं उनका वैक्सीनेशन करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा यहाँ पर 34 कॉलेज हैं, उन कॉलेज के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन कराने के लिए भी कहा गया है तथा साथ ही 15 से 18 वर्ष के बच्चों का 32% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाया है, ऐसे लोग अपने नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, औचक नहीं, मैंने नियमित अभी हम सभी स्वास्थ्य इकाइयों में कोविड की तैयारियों के संबंध में भ्रमण भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। तीसरे लहर में जो प्रकोप चल रहा है उसमें सभी स्वास्थ्य इकाइयों में सारी तैयारियां हो गई हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट यहाँ उपलब्ध हैं, बेड्स उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य टीम काम कर रही हैं। यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन के आज 21 सेशन कंडक्ट हो रहे हैं। मैंने ऑनलाइन अभी चेक भी किया कितने सेशन में हो रहा है, 2-3 सेशंस में हमने रैंडमली उठा के भी देखा, वहाँ 100 से ज़्यादा टीका लगते हुए मिल रहे हैं। प्रथम डोज और यहाँ पे 92% और सेकंड डोज 80% से ज़्यादा हुआ है। जो शेष बचे हुए हैं लोग हैं उनको फॉलोअप करके ड्यू लिस्ट से उनको कॉल करके उनका टीकाकरण कंप्लीट करने के लिए एक हफ्ते का समय मैंने यहाँ दिया है। 15 से 17 के करीब 34 यहाँ पे कॉलेजेस यहाँ हैं इस क्षेत्र में और उसमें 18 में सेशंस कंडक्ट हुए हैं। शेष 16 में सेशंस कंप्लीट करने के लिए मैंने MOIC और उनकी टीम को निर्देशित किया गया है और यहाँ पे सारी तैयारियाँ पूर्ण मिली, संतोषजनक मिली। 92% हुआ है, सर्वे भी कंप्लीट हुआ है। अभी जो अंतिम 8% प्रथम डोज के लिए और 20% दूसरे डोज के लिए वांछित हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि वो भी हमारे सेशन जहाँ जहाँ हो रहे हैं, आज रविवार है फिर भी सेशन कंडक्ट हो रहे हैं, उसमें जरूर पहुंचे और स्वास्थ्य कार्य संपर्क करके, यहाँ भी लगातार यहाँ पे चलता रहता है हमारा सेशन, यहाँ भी आके आप कंडक्ट आप टीका लगवा सकते हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं आग्रह करूंगा और यहाँ भी निरीक्षण लगातार चलता रहेगा। अगर कहीं पे डॉक्टर्स अनुपस्थित मिलते हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित, जैसे मैंने कहा अभी 32% से ज्यादा हुआ है, अभी शेष बच्चों का एक सप्ताह में पूरा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसमें कॉलेजेस से सहयोग लिया जा रहा है, स्पेशल टीम्स यहाँ तैनात की गई हैं, अतिरिक्त वेरीफायर्स भी तैनात किए गए हैं। अभी इसका अनुश्रवण करते हुए एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है, उसका मैं अनुश्रवण जनपद सर से।